नमस्कार दोस्तों, कांता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रसमलाई बनाना बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले, और आप वीडियोस को पूरा जरूर देखें। मैं रसमलाई बनाने के लिए 2 लीटर दूध लूँ, 250 ग्राम चीनी, कुछ इलायची पाउडर और आधी चम्मच में कॉर्नफ्लोर लूंगी और थोड़ी केसर की पत्तियां लूंगी। 2 लीटर दूध में 1 लीटर दूध की मैं रबड़ी बनाऊंगी, 1 लीटर दूध का मैं छेना बनाऊंगी। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया, ये अब अपने उबाली आ गई इस दूध में। अब मैं इसकी गैस बंद कर देती हूँ, फिर 2-3 मिनट इसको थोड़ा ऐसे ही हिला के ठंडा करूंगी, इसमें मलाई नहीं आनी चाहिए। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू डालूंगी, जिससे इसका छेना तैयार हो जाएगा अपना। अब मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डाल रही हूँ, 1 नींबू का रस है। इसमें मैंने जैसे आधा आधा नींबू का रस है, आधा पानी है, दोनों मिला के फिर डालना है मैंने इसमें। इसी तरह से छेना फाड़ना है। ये देखें, ये मैंने इसमें 1.5 नींबू लग गया। कभी कभी नींबू में रस कम होता है, 1 नींबू से नहीं फट सकता, तो हम आधा नींबू और ले लेते हैं। अब ये फट गया, ये देखें, ये सब ट्रांसपेरेंट कलर दिख रहा है ना इसका, पानी छेना अलग हो गया, पानी अलग हो गया, इसका मतलब अपना छेना बहुत अच्छे से फट गया है। पनीर के लिए हमें एक कॉटन कपड़ा लेना है, जैसे मैंने पहले नीचे चलनी लगा दी, इसके ऊपर ये कपड़ा रख दिया। अब इसमें ये पूरा इसी में निकाल दूंगी मैं, फिर इसको थोड़ी देर बांध के रख लूंगी, इसका पानी पूरा निकल जाना चाहिए छेने का। रसगुल्ले बनाओ चाहे रसमलाई बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, उसमें छेने का पानी पूरा निकलना चाहिए। इसमें पानी डाल के इसको छेने को अच्छे से धोऊंगी, इसमें मैं 2-3 गिलास पानी डाल के अच्छे से धोऊंगी, तो इसमें जो भी नींबू का खटास होता है वो अच्छे से निकल जाना चाहिए इसका। अब मैं इसका इस तरह से ये पानी निकाल देती हूँ, देखिए एक बार निकाला, फिर आधे घंटे के लिए कोई भी बर्तन उससे वजन की चीज रख के इसको दबा के रख दूंगी, तो इसका पानी पूरा निकल जाएगा। जैसे कॉटन कपड़े में जैसे बांधा, अब इसमें वजनदार ये चकला रख दूंगी, भारी चीज रखूंगी, आधे घंटा इसको छोड़ दूंगी, तो इससे से पानी निकल जाएगा इसका। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया, अब मैं इसकी रबड़ी बना रही हूँ। ये सिजाते सिजाते आधा हो जाएगा, तब मैं इसमें थोड़ी चीनी, इलायची पाउडर, ये सब केसर डाल दूंगी, तो ये अपनी रस मलाई के लिए रबड़ी तैयार हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसमें केसर और इलायची डाल दी, इस तरह का कलर हो गया। ये अब अपनी लगभग 5-7 मिनट की देरी और है, गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ, ये 4 चम्मच ऐसी भर के चीनी डालूंगी, ये वाली चम्मच है। देखिए दोस्तों, जो मैंने 1 लीटर दूध का पनीर बनाया, छेना जिसे कहते हैं हम, ये इस तरह से हो गया। अब इसमें देखिए बिल्कुल पानी नहीं है। अब मैं इसे हथेली अपनी इस तरह से इसे ऐसे से मथूंगी, पूरा एकदम चिकना हो जाना चाहिए मथने से, ठीक है। यह 1/2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये देखिए, ये हमारा मथ के पूरा अच्छे से हो गया। देखिए जैसे बड़ा ये बर्तन पे भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा, देखिए कैसा प्लेन हो गया ना एकदम। इसमें देखिए घी छोड़ दिया अपने, अब ये देखिए, अब इसकी मैं छोटी छोटी गोलियां बना लूंगी। ये देखिए मैंने ये 13 पीस इसके 1 लीटर दूध में मेरे बना लिए, मैंने एक जैसी साइज के बन गए। अब मैं इनको अच्छे से गोल बना के हल्के से हाथ से यूं चपटा दबाऊंगी, ठीक है। ये मैंने पहले 1/2 लीटर पानी डाला है, ये 250 ग्राम चीनी अपनी,
ठीक है। फिर मैं इसमें 1 लीटर पानी और डालूंगी, थोड़ी ये चीनी गल जाए तो इसकी चाशनी थोड़ी मैं अलग से निकालूंगी। फिर इसमें 1 लीटर पानी और डालूंगी। मैंने आधा लीटर पानी में जो 250 ग्राम चीनी की ये चाशनी बनाई, इसमें से मैं थोड़ी अलग से निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फिर 1 लीटर पानी और डालूंगी। अब इसमें मैं ये एक एक करके इसके बॉल डालूंगी, रसमलाई के लिए जो बनाई। अब मैं इसे 25 से 30 मिनट इस तरह से ढक के सिझाऊंगी। बीच में 10 मिनट के बाद इसको खोल के उनको पलट देंगे अपन। मैंने ये 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया तो ये देखिए इस तरह से फूल गई। अब इनको मैं एक एक करके पलट दूंगी, थोड़ा इस तरह से चम्मच से हल्के हल्के हाथ से। ये हमारे 25 मिनट कंप्लीट हो गए, ये बन के तैयार हो गई रसमलाई। ऐसे देखिए फूल के डबल हो गई है। मैंने इसमें सबसे पहले आपको फिर से बताती हूँ, 250 ग्राम चीनी ली, 1.5 लीटर पानी लिया। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम में आधा लीटर पानी डाल के उसको चीनी को पूरी पिघल ली। उसके बाद मैंने थोड़ी चीनी की चाशनी अलग निकाली। इसमें कोई तार नहीं देखना अपने को, केवल चीनी गलनी चाहिए। फिर मैंने 1 लीटर पानी डाल के इनमें ये जो गोले बनाए थे रसमलाई के लिए मैंने वो इसमें डाल दिए। 25 मिनट तक मैंने इसको सिझाया है। अब ये अपने तैयार हो गए। इसको मैं अब ठंडे पानी में आइस वाटर बनाऊंगी, उसमें इनको डालूंगी, इससे ये स्पंजी बहुत अच्छे रहेंगे अपने। अब ये मैंने आइस वाटर बनाया, इसमें सारी ये रसमलाई एक एक करके इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए ये मैंने चिल्ड पानी में जो बर्फ का पानी बनाया उसमें ये रसमलाई को रखी। अब ये देखिए कितनी स्पंजी बन गई, देखिए है ना। ये देखिए ये देखिए, इसे मैं 20 से 25 मिनट चिल पानी में रखूंगी। फिर मैं इनको निकाल के वापस जो मैंने पहले जो चीनी की चाशनी निकाली थी और इसकी जो बची उबलने के बाद उस चाशनी के अंदर दोनों को मिक्स करके इनको वापस उसी में डालूंगी। ये देखिए 20 से 25 मिनट मैंने हो गई ठंडी। अब मैं इनका हल्के हल्के हाथ से ये पानी निकाल के वापस चीनी की चाशनी में डाल लूंगी। अब मैं ये चाशनी से ऐसे निकाल के देखिए अब इस पर मैं रबड़ी डालूंगी, ये अपनी तैयार होगी। ये देखिए अपनी रसमलाई तैयार है। दोस्तों कितनी सुंदर बनी है ना अपनी रसमलाई, कितनी स्पंजी और कितनी अच्छी बनी है। अब उतनी ही खाने में टेस्टी लगेगी स्वाद। वैसे भी घर में बनाई हुई सभी चीजें अच्छी लगती है सबको। थोड़ी बादाम की कतरन डाल देती हूँ। देखिए दोस्तों हमारी ये रसमलाई बनके तैयार हो गई है। इसे हम अब फ्रिज में रख देंगे। इसको एकदम ठंडी करके खानी है। जितनी चिल्ड होगी उतनी ही खाने में स्वाद होगी, उतना ही आपको खाने में भी मजा आएगा।